हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम अपने गूगल एडसेंस अकाउंट को कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके गूगल एडसेंस अकाउंट में $10 या इससे ज़्यादा हो चुके हैं तो आपको गूगल एडसेंस की तरफ से एक इस तरीके का एनवेलोप आपके दिए गए एड्रेस पे पोस्ट ऑफिस के जरिए भेजा जाता है और इस एनवेलोप में आपको एक कोड दिया जाता है जिसको आपको अपने गूगल एडसेंस की आईडी लॉगिन करके उसे एंटर करके अपने गूगल एडसेंस को वेरीफाई करना होता है, जिससे कि आपका जो पेमेंट है आपके अकाउंट में उसको आसानी से गूगल ट्रांसफ़र कर सके। जब तक आप अपने गूगल एडसेंस अकाउंट को वेरीफाई नहीं कर लेते तब तक आपका जो पेमेंट है वो होल्ड पे पड़ा रहेगा। तो गाइज, ये मुझे मेरा पिन मिल चुका है क्योंकि मेरे अकाउंट में $10 से ज़्यादा हो चुके हैं। तो आप इसको गौर से देखिए कि ये गूगल एडसेंस की तरफ से आया है। यहाँ पर ऊपर की ओर लिखा है गूगल एडसेंस और यहाँ पे ये देखिए, ये लिख रहा है आपका रिमूव साइड इज फर्स्ट और यहाँ पे कुछ साइड, ये साइडों से इसको रिमूव करना है, जो इसकी साइड है ये निकालनी है, यहाँ से इसको काट कर फिर इसके अंदर इसके पिन निकलेगा। और इसको पीछे से आप देख लीजिए, यहाँ पर ये एड्रेस है, यहाँ पर एड्रेस होगा आपका, यहाँ पर बार कोड है कुछ इस तरीके से और ये कुछ इस तरीके का होता है। तो अभी मैं आपके सामने इसको ओपन करने वाला हूं और आप देखिए इसमें ओपन करने के बाद पिन किस तरीके से निकलता है। आपको करना क्या है, सबसे पहले इसको इसमें आपको ये वाली साइट्स को इसको रिमूव करना है। चलिए मैं इसको रिमूव करता हूं। ये मैंने एक साइड रिमूव कर दी है, अभी मैं इसकी ये वाली साइड रिमूव करता हूं। और गाइस, अब मैं इसकी फाइनली लास्ट साइड है ये, इसको भी रिमूव कर रहा हूँ और ये मैंने सारी साइडें इसकी रिमूव कर दी हैं। और रिमूव करने के बाद ये हम इसको अभी ओपन करने वाले हैं और ये देखिए गाइस, ये एक तरफ से इस तरीके से इस पर कुछ ये कोडिंग हो रही है, जिससे कि हमारा जो ये पिन किसी को बाहर से दिखाई ना दे। और यहाँ पर ये कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, यहाँ पर लिख रहा है ये, और ये देखिए यहाँ पर ये हमारा ये पिन है जिसे आपको अपने गूगल एडसेंस की आईडी पे लॉगिन करना है और वहाँ इसको एंटर करके अपने गूगल एडसेंस अकाउंट को वेरीफाई करना है। और इसमें कुछ स्टेप दिए गए हैं कि आपको करना कैसे, कि आपको स्टेप वन में गूगल आईडी पे आपकी गूगल एडसेंस में लॉगिन करना है और स्टेप टू में आपको पेमेंट ऑप्शन पर क्लिक करना है। पेमेंट पर करने के बाद आपको स्टेप थ्री में अकाउंट इन्फॉर्मेशन एंड देन क्लिक वेरीफाई एड्रेस करना है। उसके बाद स्टेप फोर में एंटर योर पिन एज इट अपीयर्स ऑन द राइट ऑन क्लिक सबमिट पिन, जैसा कि आपको ये दिखाई दे रहा है ये पिन आपको सबमिट करना है। तो खैर चलिए, मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसके लिए आपको मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ कि हम गूगल एडसेंस को, अपने गूगल एडसेंस अकाउंट को किस तरीके से हम वेरीफाई कर सकते हैं इस पिन के ज़रिए। तो खैर चलिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो गाइज़, मैं अपनी गूगल एडसेंस की आईडी में लॉगिन हो चुका हूँ, जिसमें मैंने अपना स्टेप वन कंप्लीट कर लिया है और ये मेरा गूगल एडसेंस अकाउंट का होम पेज है। यहाँ आप और से देखें तो मेरे अकाउंट में मेन बैलेंस में यहाँ $16 शो कर रहा है, जो कि $10 से ऊपर हो चुके हैं। जैसे ही आपका यहाँ पर $10 से ऊपर हो जाएगा तो आपको भी ऐसा ही पिन आपके एड्रेस पे पहुँच जाएगा। और अब मुझे अपना गूगल एडसेंस जो अकाउंट है वो वेरीफाई करना है। और यहाँ आप और से देखें तो यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं मेरे इस गूगल एडसेंस अकाउंट पे। ये लिख रहा है कि योर पेमेंट आर करेंटली ऑन होल्ड। आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए गौर से, ये लिख रहा है यहाँ पर कि योर पेमेंट्स आर करेंटली ऑन होल्ड बिकॉज यू हैव नॉट वेरीफाइड योर एड्रेस। तो दोस्तों, इसी एड्रेस को वेरीफाई करने के लिए आपको करना क्या है कि यहाँ पर आपका एक्शन, जो ये एक्शन का वो दिया है बटन, सॉरी यहाँ पर जो एक्शन लिख रहा है ये, आपको इस पे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जैसे ही जो भी पेज ओपन होगा आपको इसको स्क्रॉल डाउन करना है। और स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पर गौर से देखिए कि इधर की तरफ यहाँ ये एंटर योर पिन, आपको इस जगह यहाँ पर आपको पिन डालना है आपका, जो आपको पिन गूगल एडसेंस की तरफ से आपके घर पर पहुंचाया गया था, आपको यहाँ पर वो पिन एंटर करना है। तो अभी मैं यहाँ पिन एंटर करने वाला हूँ।
और ये गाइस मैं पिन एंटर कर चुका हूँ जैसा कि मुझे उस एनवलप में मिला था। और अब मैं इसको सबमिट कर, आपको पिन एंटर करने के बाद आपको करना क्या है, आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। ये मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक कर, और ये गाइस मैंने क्लिक कर दिया है। और तो गाइस आप जैसा देख रहे हैं, जैसे ही मैंने अपने पिन को एंटर करा और एंटर करने के बाद में मैंने सबमिट पिन पर क्लिक करा, तो सबमिट पिन पर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ गौर से देखिए, यहाँ जो स्क्रीन पर पहले कुछ नोट्स आ रहा था एक लिखा हुआ एड्रेस को वेरीफाई करने के लिए, अब वो यहाँ से जा चुका है और इस जा चुका है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मैंने अपने गूगल एडसेंस अकाउंट को वेरीफाई कर लिया है। अब मुझे फ्यूचर में अगर कोई भी मुझे गूगल एडसेंस पेमेंट करता है तो उसमें कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है, क्योंकि मेरा जो गूगल एडसेंस का अकाउंट है वो हमेशा के लिए वेरीफाई हो चुका है। तो गाइज मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये, आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप भविष्य में हमारे इस टाइप की वीडियो और देख सकें। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।